वायरल फीवर का प्रकोप अस्पतालों में बढ़ने लगे मरीजों की संख्या, साथ ही में चिकित्सकों ने एहतियात बरतने की दी सलाह। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में औसतन हर रोज करीब 150 से लेकर 175 मरीज अपना इलाज करवाने आ रहे हैं। वहीं झोलाछाप डॉक्टरों के यहाँ भी मरीजों की लंबी लाइन देखी जा रही है। सबसे अधिक मरीज वायरल बुखार जुकाम के देखने को मिल रहे हैं। वहीं चिकित्सकों ने मरीजों को बीमारी से बचाव के लिए सावधानी बरतने के सुझाव दे रहे हैं और करीब 2 सप्ताह से हो रहे मौसम के परिवर्तन से विभिन्न प्रकार की मौसमी बीमारियां फैल रही है। यही कारण है कि रोजाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी देखने को मिल रही है। यह प्रतिदिन पर्चा काउंटर पर सुबह 9 बजे से ही मरीजों की लंबी कतारें लगने लगती है और ओपीडी से लेकर अस्पताल के वार्डों में भी मरीजों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है, जिसमें जुकाम बुखार के मरीज की संख्या बढ़ी हुई है। मौसम परिवर्तन के कारण बच्चों से लेकर नौजवान तक इस समय मौसमी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सावधानी व एहतियात बरतने हेतु चिकित्सकों ने दी सलाह। स्वास्थ्य दलों द्वारा लोगों को मौसमी बीमारियों से बचने के लिए विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी समय समय पर दी जा रही है। डॉक्टर आर के पाठक ने लोगों से अपील की है कि वह अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और साथ ही वहां पर बने हुए गड्ढों में मिट्टी डालकर उन्हें सही करवाएं। घरों के आसपास बनी हुई नालियों से जला हुआ तेल या फिर केरोसिन आदि डालें ताकि लार्वा न पनप सके और साथ ही में घरों के आसपास पुराने टायर, कबाड़ व स्थान जहां पर बारिश का पानी जमा हो उन्हें खाली करवा कर साफ रखें। घरों में काम करने वाले मटकों के नीचे, साथ ही में बर्तन वाले और गमले, फूलदान आदि के पानी को समय समय पर खाली करते रहें। कूलर, फ्रिज के पीछे की ट्रे, घर के बाहर रखा हुआ पानी की टंकी व इस समय मौसम में परिवर्तन हो रहा है। वर्षा ऋतु के खत्म होने के बाद अब धीरे धीरे ठंड आ रही है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप मच्छर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी से अनुरोध है कि मच्छरदानी लगाएं, फुल बाह की शर्ट पहने, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और सर्दी बुखार होने पर नज़दीकी अस्पताल में आकर अपना जांच कराएं और उपचार लें। इसके साथ साथ अभी हमारे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तियों को कोविड का वैक्सीनेशन हो चुका है। मेरा निवेदन ये है कि जिनको भी कोविड की पहली सूजी लग गई है और उनका सेकेंड डोज ड्यू है, वो तत्काल अपने नज़दीकी, जहाँ भी नज़दीकी सेंटर है कोविड, जहाँ पर लग रहा है कोविड वैक्सीनेशन, जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर जाकर वैक्सीनेशन कराएँ, क्योंकि जब तक दोनों डोज नहीं लगेंगे तब तक सुरक्षा पूर्ण रूपेण नहीं होगी। दोनों डोज लगने के बाद ही हम कोविड जैसी महामारी से उभर पाएंगे, इसलिए अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन हमको सावधानी बरतने की जरूरत है और कोविड वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिन किसी का भी पहला डोज नहीं लगा है वो पहला डोज लगवाएं और जिनका दूसरा डोज ड्यू है वो अपने नियरेस्ट नज़दीकी सेंटर में जाकर दूसरा डोज वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद। परिंदों को भी देने वाले पानी में नियमित अंतराल में सफाई करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।